Hi everyone, how are you all? So today I'm going with classified advertisement, especially for class 12, CBSE, RBSE. Already we have done 2-3 sessions of classified advertisements. In that we have seen what I'm just going to repeat. क्या देखा हमने वो मैं repeat करने जा रहा हूँ. Just follow. Too late on rent. दोनों के एक एक विज्ञापन हम बना चुके हैं. सो इजी, क्लासिफाइड एड के जो कॉलम में ये आता है. उसके बाद सेल परचेज, हमने सेल का भी एक विज्ञापन बना लिया था. इन दैट आई हैव मेड वन सेल फॉर एन ओल्ड मारुति 800 कार, तो वो आप लोगों ने देखा ही होगा. उसमें सिर्फ फीचर्स जोड़ने होते हैं. मतलब ये सारे विज्ञापन बहुत ही आसान है बनाने, पर्सनल लेवल के हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से जानना अति आवश्यक है. इफ़ यू आर इन एकेडमी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षण में हैं, अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है क्योंकि स्कोरिंग एरिया है. अदरवाइज इन जनरल डे टू डे लाइफ आल्सो वी नीड दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, समटाइम वी हैव टू गिव. कभी कभी हमें ऐसे विज्ञापन देना पड़ता है. सो इफ़ यू हैव ए गुड नॉलेज, नॉट टू रन टू एनी वन एल्स, किसी के पास भागने की आवश्यकता नहीं है. वी कैन ड्राफ्ट अवर सेल्फ एंड वी कैन गिव टू द लोकल न्यूज़पेपर, और हम लोकल न्यूज़पेपर को दे सकते हैं. इससे काफ़ी समय की भी बचत होती है और हरासमेंट भी बच जाता है. सो इन दैट सीरीज ओनली इन क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट्स वॉट वी आर लर्निंग, जो हम सीख रहे हैं क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट्स यानी वर्गीकृत विज्ञापन, उसी के अगले पायदान पर तीसरे नंबर पर मैंने जॉब लिया है. अब जॉब क्या है? ज़्यादातर जॉब देने वाले लोग होते हैं कि भाई जॉब आप लीजिए, लेकिन कई बार ऐसे विज्ञापन हम देख नहीं पा रहे हैं और फिर भी जॉब चाहिए, जॉब की तलाश है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए हम खुद भी विज्ञापन दे सकते हैं. ऐसे विज्ञापन भी आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं. व्यक्ति अपना सारा जो भी उसके पास में नॉलेज है उसको वो पब्लिश करवा देता है और वह एक जॉब की तलाश इस तरीके से भी करता है. तो आजकल का बड़ा ही ट्रेंडी है, ये बहुत ही ट्रेंडी हो चुका है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर उनको पार्ट टाइम जॉब अगर करना है तो वो ऐसे विज्ञापन दे सकते हैं. आई हैव रिटन वन क्वेश्चन फॉर यू, मैंने एक प्रश्न लिखा है आप लोगों के लिए. यू कैन सी हियर, इमेजिन यू स्टडी इन क्लास 12 कॉमर्स. मान लीजिए कि आप अध्ययन करते हैं क्लास 12 कॉमर्स में. यू नीड ए पार्ट टाइम जॉब. पार्ट टाइम जॉब का मतलब फुल टाइम जॉब तो आपका जो भी रूटीन होता है मॉर्निंग 10 से 5 या 9 से 6 वो नहीं, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं. यू वांट टू कीप योर स्टडी एट द साइड, यू वांट टू डू पार्ट टाइम जॉब क्योंकि थोड़ा इनकम हो जाएगा, आप घर वालों को सपोर्ट कर सकते हो या कम से कम अपने पॉकेट मनी निकाल सकते हो या जो भी एक्सपेंडिचर है. मनी इज वर्थ टू अर्न, आपको पता ही है. तो एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए नियर बाई मेन मार्केट. चलो क्यों लोकेशन दिया है भाई, मेन मार्केट के पास हो सकता है कि घर मेन मार्केट के पास ही हो तो वहाँ से आने जाने में इजी रहेगा, अदरवाइज यू विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, इसलिए ऐसे विज्ञापन देते हैं. ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ये आपका प्रश्न आया हुआ है CBSE में भी और RBSE में भी. सो लेट अस सी, मैंने पहले भी सेशन में बताया है कि जब भी कोई चीज़ चाहिए हम वांटेड से बना सकते हैं. आप लिख सकते हो जॉब वांटेड भी, सिचुएशन वांटेड वो भी लिख सकते हो, लेकिन वो सब चीज़ें कई बार हम लोगों को तंग कर सकती है. वी फॉरगेट इन एग्जामिनेशन, इट विल हैव ट्रबल. सो बेटर व्हाट टू रिमेंबर, वांटेड सबसे बेस्ट है कि वांटेड हम रिमेंबर कर लें. अब इसके बाद में बनाना, इसमें भी सारे फीचर्स ही जोड़ना होता है, बहुत ही आसान है. ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है होता इन सब चीज़ों के लिए. वांटेड ए पार्ट टाइम जॉब, चाहिए एक पार्ट टाइम जॉब. टाइम जरूरी है देना, कितने बजे से कितने बजे तक आप जॉब करना चाहेंगे. तो यहाँ पे दिया है बिटवीन 5 PM टू 7 PM नियर बाई मेन मार्केट जालौर. जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था वैसा का वैसा यहाँ मेंशन कर दिया. किस कैपेसिटी में आप काम करना चाहेंगे? आप हो सकता छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, पढ़ा सकते हो तो आप ट्यूटर की तरह भी दे सकते हो, टीचर की तरह भी दे सकते हो. लेकिन आप कॉमर्स में हैं और आपको अकाउंटिंग अच्छी तरीके से आती है, आपने टेली का कोर्स भी किया हुआ है, सो प्रेफरेबली यू हैव सेलेक्टेड टू डू अकाउंटिंग वर्क. इसीलिए एज एन अकाउंटिंग क्लर्क, आपने अपनी कैपेसिटी में अकाउंटिंग क्लर्क दे दिया. अब आपको थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन तो शो करना ही है कि आप कर क्या रहे हैं या क्या आपके पास में एकेडमिक क्वालिफिकेशन है. सो यू आर स्टडिंग, स्टिल यू आर स्टडिंग इन क्लास 12, वो गवाही देना, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है.
और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खैर आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है तो वही मेंशन करना पड़ेगा। हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टेली अकाउंटिंग क्यों लिखना पड़ा ये? बिकॉज आज हर अकाउंटिंग कंप्यूटर पे होता है और टेली जो है सॉफ्टवेयर वो ज़्यादा पॉपुलर है। अधिकतर शॉपकीपर्स टेली का ही प्रयोग करते हैं। उसके भी कई सारे वर्जन आ गए हैं। कोई भी वर्जन हो, एक बार आपने टेली सीखा हुआ है तो वो कोई भी वर्जन पे हम काम कर लेते हैं। तो ये आपने अपना सारा दे दिया है। एक्सपेक्टेड सैलरी, नेचुरली आप पार्ट टाइम जॉब किस लिए करना चाह रहे हैं? पैसे के लिए, यू वॉन्ट टू अर्न ए लिटिल मोर मनी। सो यहाँ पर मैंने सैलरी 2500 रखी है और ब्रैकेट में मैंने एक वर्ड लिखा है नेगोशिएबल। आपने अपने हिसाब से मैक्सिमम लिखी है ये सोच के कि 2500 रुपये तो मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन मान लो कि अगला जो शॉपकीपर आपको रखना चाहता है वो 200-300 रुपये आपको कम देने के लिए राजी है, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहता, 2200-2300 पे वो अटका हुआ है या वो उतना ही देना चाहेगा, तो आपने इसलिए उसको दे दिया है नेगोशिएबल कि ये विचार नहीं है। नेगोशिएबल का मतलब इस पर हम विचार कर सकते हैं। माई डिमांड इज 2500 रुपीज मिनिमम, लेकिन अगर आप उससे प्लस माइनस कुछ भी करना चाहें तो उस पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और बाद में लास्ट में तो वही है, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट, जो भी नाम था वो आपने दे दिया और मोबाइल नंबर दे दिया। सो लाइकवाइज यू कैन मेक एन एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉब, पार्ट टाइम जॉब, और इफ़ यू वॉन्ट मेन जॉब देन ऑल्सो यू कैन मेक इन दिस वे, देर इज़ नो प्रॉब्लम। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस वेल। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर वीडियोज़ को बार बार देख रहे होंगे, क्योंकि अभी यही एकमात्र ऑप्शन बचा है हमारे पास में ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है फेस टू फेस क्लासेस होना असंभव ही है, जब तक सरकार इसकी इजाज़त नहीं देती। अनलेस एंड अंटिल गवर्नमेंट परमिट्स अस टू स्टडी फेस टू फेस, वी हैव टू कॉप अप विथ ऑनलाइन क्लासेज। सो कीप वॉचिंग अस एंड सब्सक्राइब, बिकॉज वंस यू सब्सक्राइब यू विल गेट ऑल द वीडियोज इन ए सेम फ्रेम। आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की और सर्च करने की जरूरत नहीं है। सारे वीडियोज इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री और भी जो भी सब्जेक्ट्स के हैं, सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। यू कैन यूटिलाइज फॉर योर नॉलेज एंड यू कैन टेल अदर्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। बाय बाय, सी यू अगेन।